हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू माय ऑल लवली वंडरफुल ग्रैटिट्यूड फैमिली. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू थैंक यू रवि भैया एंड अंकित भैया फॉर गिविंग मी दिस प्लेटफॉर्म सो दैट आई कैन शेयर माय स्टोरी हाउ आई चेंज्ड माय सेल्फ थ्रू मैजिक. यस, दिस इज वन ऑफ द आई थिंक फॉर मी इट वॉज अ लाइफ सेवर. आई जस्ट कॉल इट लाइफ कोच फॉर मी. सो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. माई नेम इज मनाली कोठारी एंड आई एम अ हाउस मेकर. सो आई लाइक टू शो यू सम ऑफ माई पिक्स वेन आई यूज टू लुक इन टू इट्स अबाउट 2018-2019. सो दिस आई वॉज यूज टू लुक. नाउ यू कैन सी मी नाउ. So I in 2000 earlier I was a girl which is full of cribbing without knowing it. Iska kya consequence hota hai life mein aage. I was little negative also and lots of stress and anxiety was there and no control on the tongue and everything, you know, everything was so messed up in my life. So it was like it was keep going and my life changed because I want to change, because something which happened to me which gave me a kick in my life, because something has to be there to change yourself. My kick was my children, as I always say to everyone in my life. My kick was my children. If I see my children, I get the kick. They made me realize, mama, you need to change yourself. I like, okay. So and I'm so thankful to universe. At that time my brother was also learning about it and he told me. So he also told me to, you know, he gave me a book, Magic. So in Magic, I read Magic. Main 9 saal baad koi book pad rahi hu and I thoroughly loved it ki maine ye book padhi hai. Aur I thought, fir bhaiya ne bola chal secret movie dekhte hain. Maine theek hai wo bhi dekh li, mere ko aur maza aaya. अच्छा चल तू सीक्रेट बुक पढ़ ले. मैंने ठीक है पढ़ लेती हूँ सीक्रेट बुक. ये भी पढ़ ली. फिर उसने बोला अब तू मैजिक प्रैक्टिस कर. मैंने ठीक है कर दी. तो आई स्टार्टेड इन एंड वीक ऑफ जून एंड आई फिनिश्ड इन ऑगस्ट 14. इट टुक मी अराउंड 1.5 months टू डू माई मैजिक प्रैक्टिस. 28 दिन की मैंने जर्नी, अराउंड 45 days. मतलब आप समझ सकते हो मैं कितना ब्रेक मार मार के कराऊ, कितनी बार बैक गई होंगी, कितनी बार करा होगा. तो भी आई मैनेज टू फिनिश. वो ग्लो तो आ गया था मैजिक प्रैक्टिस करने के बाद, जो आना चाहिए, जो आप सबके चेहरे पे है 28 दिन के बाद. लेकिन मेरे को भी लगता था, मैं इतना नहीं सोचती थी कि अब क्या होगा. मैंने ठीक है देख जाएगी, जो होगा सो होगा. तो मैं ठीक है, मैंने भैया को ना, भैया मैं तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करूँ, मेरी तो लाइफ सेट हो गई है. ठीक है, अब ऐसे चलती गई जिंदगी. तो बीच बीच में दिक्कतें आती गई, एफर्मेशंस बनाती गई, ठीक होती गई. लेकिन कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होता रहा लाइफ में कि यार मैं ये सही कर रही हूँ, यार लोग क्या सोचेंगे इस बारे में. मेरे को सबकॉन्शियस माइंड कुछ और कहता, कॉन्शियस माइंड कुछ और कहता. मैं इतनी कन्फ्यूज हो जाती कि यार ये क्या हो रहा है लाइफ में, यार कोई कुछ कह रहा है और मैं मान रही हूँ, ये सब कुछ क्या हो रहा है. मेरा कुछ और माइंड कुछ और कह रहा है और होता कुछ और जाता है, ऐसा क्या हो रहा है. मतलब मैं तो इतना ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ लोगों को, इतना बिलीव कर रही हूँ सब चीज़ों में, फिर भी हो जा रहा है. देन हायर अ डिस्कशन विथ माई ब्रदर अंकित भैया, एज यू ऑल नो. देन ही टोल्ड मी कि मनाली तेरे दिमाग में क्या है. मैंने भैया देख, मुझे ना ऐसे सोच आता है कि ना यार ये नहीं हो सकता है. बोला तूने, वो बोला उसने बताया कि ये एक तरह का तेरा लिमिटिंग बिलीफ है. मैंने क्या लिमिटिंग बिलीफ, वो पूछा उसे वो क्या होता है. उसने ही मुझे हिंदी में समझाया कि जब आप अपने विचार या सोच को आप रोक लेते हो कि नहीं इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, यही आपका सोच बन जाता है जिंदगी, और इसको आप लिमिटिंग बिलीफ कहते हो. मैंने अच्छा ये भी है. बोला हाँ, तो ये सोचना समझना और एक मुझे पेपर पे लिख के देना एक दिन कि एक दो एग्जाम्पल. तो मैंने सोचा, मैं सुबह जल्दी उठी उस दिन नेक्स्ट डे, और मैंने सोचा कि ऐसा मैं क्या अपने दिमाग में लेके बैठी हूँ जो मुझे इतना रोक रहा है आगे सक्सेस, मतलब कोई भी चीज़ पाने से. तो फिर मैंने सोचा हाँ, मुझे तो सब बचपन में गुड़िया गुड़िया कहते थे, इट्स माय निकनेम. तो गुड़िया तो एक डॉल की तरह होती है, उसको तो सिर्फ डॉल की तरह बैठना होता है, तो वो आगे कैसे सक्सेस पा सकती है. मैंने यार ये तो बड़ा गलत चीज़ है. तो आप मानेंगे नहीं, उसके जगह मैंने मेरा एफर्मेशन क्या लिखा, कि आई एम मैच्योर एंड आई एम
आई एम मेच्योर टू हैंडल माई ऑल दी थिंग्स इन माई लाइफ. यस आई एम मेच्योर्ड, मैंने ये लिखा अपने बारे में. अगर और फिर मैं ये दिमाग लगाने लगी, अगर मेरे दिमाग में कभी भी ये ख्याल आएगा तो मैं ऐसे अपना न्यू बिलीफ बनाऊंगी. मैंने ऐसे कम से कम 15 से 20 पॉइंट अपनी लाइफ में निकाला जो मुझे बचपन से कहे गए हैं या किसी ने आके कह दिया है कि तू, एक और एग्जांपल दूंगी कि तू हंसती भी अच्छी नहीं लगती. तो आई मेड माई सेल्फ रियलाइज कि आई हैव द बेस्ट लाफ्टर. लोग मुझे हंसते हुए देख के कितने खुश होते हैं. सो आई मेड माई न्यू रियालिटी ऑफ माई सेल्फ. एंड ऑफकोर्स सेल्फ लव तो प्रैक्टिस करनी होती है. दिस वन बाय वन व्हेन आई यूज्ड टू वेक अप, मतलब अगर मेरी नींद भी रात को 2 बजे खुल जाती है तो मैं अपने बारे में यही बोलती हूँ कि आई एम अ विनर. मैंने अपने हर एक, मतलब सुबह उठती थी हर एक लिमिटिंग बिलीफ को अंदर से पहचाना कि मेरे अंदर क्या ऐसी भावना है जो मुझे रोक रही है आगे बढ़ने से, मुझे रोक रही है वो कदम. तो मैंने ऐसे अपने अपने ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे निकाले, जैसे ये एक डर कैमरे का. मैंने तो भी मैंने नहीं, आई लव फेसिंग कैमरा और मैं बहुत अच्छे से बोलूंगी. ऐसे करते 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 मुझे आज 1 साल हो गया और इस ग्रैटिट्यूड क्लब से, स्पेशली इस ग्रैटिट्यूड क्लब से मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है. एंड मैं दिल से बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली मेरे मिरेकल्स हो गए हैं रिलेशनशिप में. आई स्वेयर, मतलब मुझे इतना मजा आ रहा है अपनी रिलेशनशिप में. मेरे एक ईच एंड एव अच्छे तो हो रहे थे लेकिन मजा आ रहा है, रॉकेट लगा है मेरे रिलेशनशिप में. अब मुझे समझ में आ रहा है कि आई रियली वॉन्ट टू थैंक रवि भैया एंड अंकित भैया और जो एंड टू ऑल द ग्रेटिट्यूड फैमिली. जो जो छोटी छोटी शेयरिंग्स होती है ना, वो आपको इतना मोटिवेट करती है, उससे इतना सीखने को मिलता है कि आप है ना अपनी चीजें इतनी जल्दी सॉर्ट आउट कर लेते हो खुद से ही. That is the best part which I learned from this gratitude club. How to sort out the things on their own. मतलब मैं अपनी चीज़ें खुद sort out करने लगी हूँ. मेरे को बहुत मज़ा आता है, मतलब I love it कि ना देखो चीज़ें कितनी easily सुलझ गई और मैं तो फालतू में इसका लोड लेती रहती थी. This what I have learned from gratitude club, lots of patience, lots of love and everything. Thank you. अंकित भैया एंड रवि भैया फॉर क्रिएटिंग दिस प्लेटफॉर्म फॉर अस एंड गॉड ब्लेस एवरी वन इन दिस ग्रैटिट्यूड फैमिली, स्पेशली अंकित भैया एंड रवि भैया. बाय, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी.